जिस तरह से इंडिया में 150-160 सीसी सेगमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसी तरह से 250 सीसी सेगमेंट भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और आज हम इसी 250 सीसी सेगमेंट की एक बेहतरीन गाड़ी का लेने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू, और उसका नाम है यामाहा FZ25 जो कि मार्केट में आ चुकी है, BS6 में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो कि हमें मार्केट से पता चली है, मार्केट रिव्यू से पता चली है। अब अगर मैं इस गाड़ी के लुक की बात करूं तो ये हमेशा से ही एक सब्जेक्टिव मैटर रहा है। बिल्ड क्वालिटी में यहां पर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज यामाहा द्वारा नहीं की गई है। थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई है जो साइड पैनल से वो और ज्यादा हार्ड क्वालिटी के बन सकते थे, साथ ही जो ग्रैब रिल है वो थोड़ा सा जॉइंट या फिर मोटा मटेरियल का मिल सकता था। वैसे भी ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये भी सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि डायमंड मटेरियल जो चेसिस है वो यहां पर मिल रहे हैं जो कि बेहतरीन क्वालिटी लेकर के मार्केट में आती है। इसके साथ ही आपको इस गाड़ी में जो सीट मिल रहा है, जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, हेडलाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी, एवरीथिंग बेहतरीन ही मिल रही है। आफ्टरऑल ये जापानीज ब्रांड है यामाहा, तो यहां पर ये कभी भी अपनी गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। जब बात आती है इस गाड़ी की ओवरऑल कर्व वेट की तो वो है 153 kg। जिस तरह से इसका इंजन यहाँ पर मिल रहा है, जितनी पावर यहाँ पे मिल रही है, बॉडी टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन किया हुआ लग रहा है। तो उसी तरह से बॉडी टू वेट रेशियो बेहतरीन यहाँ पर मेंटेन किया गया है 153 kg कर्व वेट के साथ। जब आप इस गाड़ी को ऑफ रोड करना चाहोगे या फिर थोड़े खराब रास्ते है, गड्ढों वाले रास्ते है, तो वहां पर भी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छा खासा सपोर्ट कर देता है आपको। 160 mm का मिल रहा है जो कि इंडियन रास्तों के हिसाब से डिसेंट ही है। कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं या फिर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं हाथी जैसे अपने रूरल एरियाज में, या फिर खुद से बनाए हुए होते हैं लोगों ने, डेवलप करे हुए होते हैं रोड पर अपनी जो कलाकारी है, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती है, अदरवाइज नॉर्मली आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जो पिकअप है इसका वो भी अपने आप में बेहतरीन है, डोमिनार के मुकाबले थोड़ा सा कम लगा हुआ है क्योंकि वो भी इसी की कॉम्पिटिटर है, तो ठीक ही है, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 1360 mm का है, तो व्हील बेस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है सिटी राइडिंग के लिए। जितनी कम जगह में आपकी गाड़ी घूमती है उतनी ही सिटी में चलाने के लिए इजी हो जाती है, तो यहाँ पर 1360 mm आपको नाराज नहीं करने वाला है। और यही 1360 mm का जो व्हील बेस है वो आपको हाईवे पर भी काफ़ी अच्छी स्टेबल एबिलिटी बना करके चलता है, सिटी राइड में भी आपको ये गाड़ी ज़्यादा नाराज नहीं करती है। क्लच थोड़ा सा हार्ड लगा हुआ है इसका, तो अगर आपकी सिटी में ट्राफिक में समझो एक 1.5-2 घंटे तक की कंटिन्यू रनिंग हो जाती है, ब्रेक लगा रहे हो आप, गियर उतार रहे हो, थ्रोटल घुमा रहे हो, क्लच दबा रहे हो, ये प्रक्रिया बार बार हो रही है, तो थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईवे पर यह बेहतरीन चलती है, इसमें किसी भी तरह का कोई दोहराया नहीं है। 130 km/h तक का इसका जो है स्पीड कैच करा गया है, अचीव करा गया है, उसके ऊपर भी ये जा सकती है, लेकिन इतना मत लेके जाना क्योंकि बाइक है, आफ्टरऑल कंट्रोल करने में दिक्कतें आएगी। और वैसे में भी ये काफ़ी स्टेबल चलती है, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन या फिर इस तरह से जो हिल रही है, हवा आ रही है, विंड आ रहा है, बारिश के दिन है, जोर जोर से दाएं बाएं से आड़ी टेढ़ी हवा आ रही है, आपको स्टेबल एबिलिटी बेहतरीन बना करके चलती है ये गाड़ी, हिलती नहीं है अपनी जगह से। जैसे मैंने कहा बॉडी टू वेट रेशो बेहतरीन मेंटेन करा गया है इस गाड़ी में, वाइब्रेशंस भी इसमें ना के बराबर है। इन वही कॉर्नरिंग में भी आपको ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर लेती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 130 km/h तक भी आराम से चली जाती है, इसके लिए ये नथिंग है। तो ऐसे में भी हाई स्पीड पर जैसे 80-90 km/h के स्पीड पर चल रहे हो आप, वैसे में भी आपको कॉर्नरिंग इजीली ले लेती है ये अच्छे रास्तों पर। हाई स्पीड गियरबॉक्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं जो कि उतारने या फिर चढ़ाने में दिक्कतें तो नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड लगा हुआ है। अब ये अटकता है या फिर खटकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्मूथ है, थोड़ा सा हार्डनेस का एहसास आपको होता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है पैरों से आपको, वो वाली चीज़ें दिखती है। पुलिंग पावर बेहतरीन ही है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि बड़े से बड़े चढ़ान पर भी हाईवे पर आप स्पीड में भी इसको आराम से चढ़ा के लेके जा सकते हो, दो बंदे बैठे हैं तो भी, साथ ही कोई सामान है गाड़ी पर तो भी। इसकी ओवरऑल जो हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इसके MRF जैपर टायर और वे ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन के 17 inches और रियर में 140/70 सेक्शन के 17 inches के जो है ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। काफ़ी वाइड टायर है पिछला, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, काफ़ी जो है इसी की वजह से इसकी हैंडलिंग और भी बेहतर बन जाती है। जब इस गाड़ी के दिल की बात करें तो यहाँ पे 249 cc एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक
SOHC टू वॉल सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। ये FI के साथ आता है। अब यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलता है, जो भी मतलब किक वगैरह ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर इसमें मिल जाता है, अगर स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी चालू नहीं होगी, और अगर गलती से लग जाता है चालू गाड़ी में तो वो बंद हो जाती है, वो वाली चीज़ है। अब ये जो दिल है ये मैक्सिमम कितना धड़कता है, तो 20.8 PS की ये पावर जनरेट करता है, और जो टॉर्क है 20.01 NM का ये जनरेट करता है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन है ये बाकी गाड़ियों के मुकाबले। डोमिनार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कुछ हद तक सिमिलर पाया गया है, लेकिन लॉन्ग टाइम में कुछ समय बाद आपको इसका इंजन का परफॉर्मेंस स्मूथ ही लगने वाला है डोमिनार के मुकाबले। इसी के साथ इसको आप 100 प्लस भी चलाते हो तो भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इस गाड़ी को 130 तक कैच करा गया है, टच करा गया है, तो भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। इस गाड़ी की जो सीट है 795 mm की मिल रही है, 5.5 या फिर 5.6 फीट अगर आपकी हाइट है तो आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएगी अगर उस हाइट के नीचे है तो। सीटिंग पोजीशन भी दोनों के लिए कंफर्टेबल है, दोनों के लिए यानी कि राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। अब जब मैं कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ही रहा हूँ तो सस्पेंशंस की ओर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सस्पेंशंस तो पर्सनली मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इतने अच्छे ऑब्जर्व जो कैपेसिटी होती है गड्ढों वाले रास्तों पर जब आप चलाते हो तो वो डिसेंट है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं कह सकते। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशंस आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। अब ये 7-स्टेप एडजस्टेबल है तो आप आपके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करके इसे और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। ड्यूल डिस्क के साथ ड्यूल चैनल ABS इस गाड़ी में आपको मिल रहा है, जो कि एक वाकई यूनिक चीज़ है। 90-95 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पर भी जब आप पैनिक ब्रेकिंग लगाते हो गाड़ी में, अचानक से कोई सामने आ जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आपको ब्रेकिंग की जरूरत आन पड़ती है, तो भी ये गाड़ी स्कीड नहीं होती है और मैक्सिमम टाइम आपको ये काफी अच्छे से कवर कर लेती है, रोक लेती है जगह पे। इस गाड़ी में जो LED हेडलैम्प मिल रहा है आपको, DRL भी है इसमें, तो ये काफी अच्छी मतलब सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी इंप्रेसिव है। डार्क नाइट में भी भले ही सामने से कोई बड़ा ट्रक आ रहा है तो भी रास्ता दिखाना नहीं छोड़ता, आपको अच्छे से क्लियर जो है रास्ता दिखा देता है ये। तो यहां पर किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है यामाहा ने। अब 14 लीटर का जब फ्यूल टैंक इस गाड़ी में आपको मिल रहा है तो माइलेज इसमें आपको 35 से लेकर 40 KMPL तक मिल सकता है, और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये मार्केट रिव्यू है, तो कुछ लोगों को 35 तक मिला हुआ है, कुछ लोगों को 35 से नीचे मिला हुआ है, कुछ लोगों को 40 के आसपास मिला हुआ है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे। जब प्राइसिंग की बात आती है तो 1,55,000 से लेके 1,75,000 तक अलग अलग जगह पे एक शोरूम इसकी प्राइस है। ऑन रोड या कुछ और ही जा सकती है, तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पर इसकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है वो पूछ सकते हो, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को, अगर आपने खरीद लिया है या फिर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि इसका सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आफ्टर मार्केट सर्विस इसकी कैसी है, इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी जगह जगह है भी या फिर नहीं है। तो देखो, इस गाड़ी के फैन इंडिया में कम नहीं है, जहाँ पर भी है सिटी में मोस्टली इसके स्पेयर पार्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। रूरल एरियाज में थोड़ी सी किल्लतें आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। हाईवे पर बीच रास्ते में अगर आप कहीं फंस गए, गाड़ी का कोई अचानक से स्पेयर पार्ट खराब हो गया, तो वैसे में भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, बिकॉज ऑफ हर जगह फ्रिक्वेंटली इसके स्पेयर पार्ट आपको नहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि सिटी वाले एरिया में, यामा के जहां आसपास के शोरूम आसपास में जहां भी सर्विस सेंटर है वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज में या फिर किसी ऐसे एरिया में आप फंस चुके हो जहां आसपास कोई भी नहीं है, मैकेनिक है एक दो लेकिन उनके पास वो जरूरी नहीं है कि अवेलेबल ही हो। नॉर्मल सर्विसिंग कॉस्ट 350 से लेकर 500 के बीच में ये निपट जाता है इसका काम, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल सर्विसिंग कॉस्ट है। अब अगर कोई स्पेयर पार्ट आप चेंज करना चाहो तो उसकी कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली अलग से ही लगेगी। मोरल पे बढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप 1,55,000 से लेकर 1,75,000 तक की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो एक शोरूम के हिसाब से, तो क्या इस प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी है? किन लोगों को इसे खरीदना चाहिए, किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए? तो देखो, ऐसा है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी हाइट 5.6 फीट है तो आप इस गाड़ी की और एक नज़र डाल सकते हो, अदरवाइज कम हाइट की कोई दूसरी गाड़ी चूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर जो यामाहा के फ़ैन हैं, जो इस गाड़ी को पहले से चला रहे हैं, जो लोग यामाहा की कोई दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर अगर यामाहा के साथ आप जाना चाहते हो, रिफाइंड इंजन आपको चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए है। वहीं अगर आपकी मैक्सिमम लॉन्ग राइड होती है, ज़्यादातर हाईवेज पर चलना होता है, ज़्यादा फंकी राइडर हो, स्पीड आपको पसंद है, तो आपके लिए ये गाड़ी बनी है। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, लॉन्ग राइड्स आप करते हो,
पिलियन के साथ करते हो या फिर अकेले करते हो, तो ये बेहतरीन गाड़ी मैं कहूँगा आपके लिए है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा पैकेज वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। अब इसी के साथ अगर आप चाहते हो आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगा 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस और आपके सवालों के जवाब। इसी के साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर भी मुझे जाकर फॉलो करके आपके जो है सवाल पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।